नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। क्रिकेट के खेल में अपने बल्लेबाजों को कई तरीके से आउट होते हुए जरूर देखा होगा। क्रिकेट के नियम की बात करें तो नियम के अनुसार एक बल्लेबाज 11 तरीकों से आउट हो सकता है, उसमें बल्लेबाज का व्यवहार और गलती भी शामिल है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जिम्बाब्वे के धाकड़ बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर के आउट होने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे कप्तान ब्रेंडन टेलर 57 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जिस तरीके से ब्रेंडन टेलर आउट हुए उसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जिम्बाब्वे के कप्तान अजीब तरीके से हिट विकेट आउट हुए, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है और एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस नियम को लेकर फिर से बात की जानी चाहिए। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। हुआ यूं कि जब टेलर 46 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी बांग्लादेश के गेंदबाज सिरिफुल इस्लाम ने बाउंसर गेंद फेंकी, जिसे बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश की और बैट कर गेंद को विकेटकीपर के पास जाने दे दिया। लेकिन जैसे ही टेलर बैठने के बाद अपने क्रीज पर खड़े हुए, वैसे ही उनका बल्ला स्टंप पर जा लगा। टेलर को भी यकीन नहीं हुआ कि वो इस तरीके से आउट हो सकते हैं। टेलर का बल्ला स्टंप पर लगा और वैसे ही स्टंप पर लगी बेल्स गिर गई, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें तुरंत आउट दे दिया। लेकिन टेलर के आउट हो जाने के बाद फैंस अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर आउट होने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने MCC के एक नियम का हवाला देते हुए भी लिखा कि बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को खेलने का प्रयास नहीं किया, साथ ही बल्लेबाज का इरादा रन लेने का भी नहीं था। लोगों का मानना है कि टेलर का बल्ला शॉट पूरा करने के बाद स्टंप पर लगा है, जिसके कारण उन्हें आउट करार नहीं दिया जाना चाहिए था। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 240 रन बनाए, जिसके बाद बांग्लादेश ने शाकिब अल हसन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर लक्ष्य हासिल कर लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।